नियम बनाया था कि आपसी सहमति और जमाबंदी कायम करने के बाद ही जमीन रजिस्ट्री हो, लेकिन भू माफिया लोग कोर्ट में चले गए, उसको रुकवा दिए और इस कारण से परेशानियाँ भी बढ़ रही। विभाग में पारिवारिक सहमति नहीं होने के कारण विवाद कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। और विगत 9 महीने से मैं इस विभाग का मंत्री हूँ और 9 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करने का परिणाम और फल आज मुझे अच्छा लगा कि आज मेरे पास लोग कम पहुँचे हैं। कि मान लीजिए 5 भाई आप हैं, 1 माँ बाप के संतान के हैं, और उसमें से 1 भाई चाहता है कि बंटवारा ना हो, 4 भाई चाहता है कि बंटवारा हो। इस पर कोई लीगल कानून बना करके हम लोग ऐसा कुछ नियम लावे जिससे कि आम जनता, आम जनमानस को राहत मिले और उनका भी हिस्सा, जो भाई नहीं चाहते हैं, बाहर कहीं रहते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, उनका भी हिस्सा कायम रहे और बाकी 4ों का भी काम हो जाए, उनका भी काम हो जाए, ऐसा कोई कानून बना के हम लोग बहुत जल्द नियम लाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आम जनता को लाभ हो। सर, कुछ कानूनविद ये भी कह रहे हैं कि कानून सरकार ये प्रावधान लाएगी जरूर, लेकिन कोर्ट तक जाते जाते या रोक दिया जाएगा क्योंकि कोर्ट में भूमि का टाइटल देखा जाता है। से जो बेईमान टाइप के लोग हैं, जो विचारधारा गलत रखते हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अरंगा फंसा दे, जिस कारण से परेशानी होती है। इसलिए हमने कहा है उसको बीच का कोई एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि मैक्सिमम काम आसानी से हो जाए। मेरा आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों में जागरूकता है, क्योंकि आप एक भाई बहन माता पिता के संतान हैं, एक दादा के संतान हैं, तो आप 5 लोगों का पंचायत नहीं कर पाते हैं, सहमति नहीं बना पाते हैं। ये राज्य जो है 12-13 करोड़ का राज्य है, देश 135 करोड़ का ये देश है, तो इसमें सरकार पहल करती है कि आम जनता को लाभ मिले, उसी में से एक व्यक्ति परेशान करता है, तो निश्चित रूप से तो बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे कि आम जनता को लाभ। वो तो बेईमानी हुआ ना, उस बेईमानी का भी तो रास्ता निकालने के लिए हमारे यहाँ DCLR का कोर्ट है, DM का कोर्ट है, DM का कोर्ट है, कमिश्नर का कोर्ट है, BLT का कोर्ट है, तो रेवेन्यू का अपना कोर्ट चलता है, उसमें जो जानकारी मिलता है, लोग म्यूटेशन खारिज के लिए अपील करते हैं। अभी हमने एक अच्छा नियम बनाया है कि DCLR के यहाँ भी आप अपील करके ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं और 30 दिनों के अंदर में निष्पादन भी करना उनको। आम जनता से भी बार बार अपील करते हैं कि आप भी अपने घर में बैठ के भाइयों से बहनों से बात करके ज़मीन का बंटवारा फाइनल करें। आने वाला जो सर्वे हो रहा है अभी 20 जिला में, बाकी बचे हुए जिला में भी होगा, रियल सर्वे पूरा हो चुका है, फिजिकल सर्वे होगा, फिर तब चकबंदी लागू होगा। ये सब व्यवस्थाएं अगर नहीं करेंगे फिर परेशानी आपको होगी और फिर कोर्ट कचहरी का मामला आपका लगा रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़, मैं अंकिता सिंह। भूमि विवाद को लेकर लगातार समस्याएं सामने आती है, ऐसे में भूमि एवं राजस्व सुधार की तरफ से लगातार उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री रामसूरत राय जी। और सर, सबसे ज़्यादा जो भूमि से संबंधित समस्याएं आ रही है तो उसमें एक नया कानून लाने का आप लोग विचार कर रहे हैं, बहुमत के आधार पर बंटवारा, क्या है यह कानून सर? निश्चित रूप से इस विभाग में पारिवारिक सहमति नहीं होने के कारण विवाद कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। और विगत 9 महीने से मैं इस विभाग का मंत्री हूँ और 9 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करने का परिणाम और फल आज मुझे अच्छा लगा कि आज मेरे पास लोग कम पहुँचे हैं। न तो प्रत्येक बुधवार को या रविवार को जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो दर्जन को छोड़ सैकड़ा 200-400 लोग उनसे मिलते हैं और अपनी समस्या को रखते हैं। यानी मेरे भ्रमण के द्वारा, प्रमंडलीय बैठक के द्वारा, विभाग की समीक्षा के कारण काम होना शुरू हो गया है। और एक जो सबसे बड़ा आप बात ने कहा कि आपसी सहमति नहीं होने के कारण विवाद बढ़ रहा है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नियम बनाया था कि आपसी सहमति और जमाबंदी कायम करने के बाद ही जमीन रजिस्ट्री हो, लेकिन भू माफिया लोग कोर्ट में चले गए, उसको रुकवा दिए और जिस कारण से परेशानियाँ भी बढ़ रही है। तो हम लोग एक विचार कर रहे हैं कि मान लीजिए 5 भाई आप हैं, 1 माँ बाप के संतान के हैं, और उसमें से 1 भाई चाहता है कि बंटवारा ना हो, 4 भाई चाहता है कि बंटवारा हो। इस पर कोई लीगल कानून बना करके हम लोग ऐसा कुछ नियम लावे जिससे कि आम जनता, आम जनमानस को राहत मिले और उनका भी हिस्सा, जो भाई नहीं चाहते हैं, बाहर कहीं रहते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, उनका भी हिस्सा कायम रहे और बाकी 4ों का भी काम हो जाए, उनका भी काम हो जाए, ऐसा कोई कानून बना के हम लोग बहुत जल्द नियम लाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आम जनता को लाभ पहुँचे। सर, लगातार रिपब्लिकन न्यूज़ के पास भी इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि जानना चाहते हैं कि ये कानून क्या है, इससे क्या समस्याओं का समाधान मिल पाएगा या फिर परेशानियाँ बनी रहेगी? निश्चित रूप से मैंने कहा कि कानून बनाएंगे तो कानून का विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगा। ऐसा हम लोग विचार कर रहे हैं जिससे कि जनता को राहत मिल सके, आसानी से काम हो सके, जमाबंदी कायम हो सके, नया सर्वे जो हो रहा है उसमें उनका नाम, आने वाले बच्चों का नाम चढ़ पाए, ये करना जरूरी है। तो जब कानून बनेगा तो आपको मालूम हो जाएगा। सर,
कुछ कानूनविद ये भी कह रहे हैं कि कानून सरकार ये प्रावधान लाएगी जरूर, लेकिन कोर्ट तक जाते जाते या रोक दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में भूमि का टाइटल देखा जाता है। निश्चित रूप से ये बहुत डिफिकल्ट काम है, और इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसमें सोच समझ के कुछ बनाना होगा जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। टाइटल देखना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी काम है, और सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, हमारा उनका सर्वमान्य, हम लोग उनका जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं, और कोर्ट सबों के लिए खुला है। कोर्ट में कोई भी लोग जाते हैं, निश्चित रूप से जो बेईमान टाइप के लोग हैं, जो विचारधारा गलत रखते हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अरंगा फंसा दे, जिस कारण से परेशानी होती है। इसलिए हमने कहा है कि उसको बीच का कोई एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि मैक्सिमम काम आसानी से हो जाए। सर, आपने बताया कि कुछ भूमि माफिया के द्वारा जो कानून था उस पे कोर्ट में जाकर रोक लगा दिया गया, तो आम जो लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो तो मारे जाएंगे ऐसे में? नहीं, जो बेईमान लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं, अपने ही माँ बाप के एक परिवार से, एक कोख से जन्म में विचारधारा अलग अलग है, उसको तो हम नहीं सुधार सकते हैं, वो तो हमको आपको मिलकर सुधारना पड़ेगा। तो इसी हमेशा हम अपने मीडिया के साथियों से कहते हैं, वो लोग न्यूज़ नहीं चला पाते हैं, और जो गलत न्यूज़ होता है उसको जल्दी चलाते हैं। मेरा आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों में जागरूकता आए, क्योंकि आप एक भाई बहन, माता पिता के संतान, एक दादा के संतान हैं, तो आप 5 लोगों का पंचायत नहीं कर पाते हैं, सहमति नहीं बना पाते हैं। तो ये राज्य जो है 12-13 करोड़ का राज्य है, देश 135 करोड़ का ये देश है, तो इसमें सरकार पहल करती है कि आम जनता को लाभ मिले, उसी में से एक व्यक्ति परेशान करता है, तो निश्चित रूप से कोई बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे कि आम जनता को लाभ मिले। सर, एक और समस्या और आखिरी सवाल मेरा, कि इससे पहले भी सरकार एक प्रावधान लाई थी कि जिनके नाम पर जमाबंदी होगा वही रजिस्ट्री कर पाएंगे, लेकिन यह कानून कोर्ट में जाते जाते रोक दिया गया, तो सर वो उस तरह से वो रोकने के पीछे का कारण? सर्वोच्च न्यायालय है और लोग लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, और लोग कोर्ट में जाते हैं, अपनी समस्या रखते हैं, माननीय हमारे जस्टिस लोग सुनते हैं, जो उचित लगता करते हैं। सर, ये था कि जैसे घर में पेरेंट्स एक्सपायर कर जाते थे, ऐसे में जो घर का देख रेख कर रहे थे तो वो अपने नाम पर जमाबंदी करवा लेते थे, तो ऐसे में सर ये इस तरह की समस्या आती है, इससे क्या घर का जमाबंदी करा लेते हैं तो आपके परिवार के लोग ही कराते हैं ना। मान लिया हमें दादाजी के 5 पुत्र हैं और घर में अकेले वो कोई भाई रह रहा है, कोई 4 भाई बाहर चला गया, तो वो तो बेईमानी हुआ ना। उस बेईमानी का भी तो रास्ता निकालने के लिए हमारे यहाँ डिसीलर का कोर्ट है, एडीएम का कोर्ट है, डीएम का कोर्ट है, कमिश्नर का कोर्ट है, बीएलटी का कोर्ट है, तो रेवेन्यू का अपना कोर्ट चलता है, उसमें जो जानकारी मिलता है, लोग म्यूटेशन खारिज के लिए अपील करते हैं। अभी हमने एक अच्छा नियम बनाया है कि डिसीलर के यहाँ भी आप अपील करके ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और 30 दिनों के अंदर में निष्पादन भी करना उनको है, ये सब बाइंडिंग हो रहा है। आने वाला समय बेहतर होगा, और हम बेहतर करने के लिए विभाग तो कर ही रहा है, लेकिन अपने आम जनता से भी बार बार अपील करते हैं कि आप भी अपने घर में बैठ के भाइयों से, बहनों से बात करके ज़मीन का बंटवारा को फाइनल करें। आने वाला जो सर्वे हो रहा है अभी 20 जिला में, बाकी बचे हुए जिला में भी होगा, एरियल सर्वे पूरा हो चुका है, फिजिकल सर्वे होगा, फिर तब चकबंदी लागू होगा। ये सब व्यवस्थाएँ अगर नहीं करेंगे तो फिर परेशानियाँ आपको होगी, और फिर कोर्ट कचहरी का मामला आपका लगा रहेगा। तो ये थे हमारे पास भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री रामसूरत राय जी, और इन्होंने सब कुछ बताया कि कानून को बेहतर करने के लिए, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नए नए प्रावधान लाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन्होंने यह भी बताया कि जितने भी भाई बहन हैं या फिर अपनी बंटवारा के लिए जो जमाबंदी कायम करना है वो कर ले। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।